हेलो एंड वेलकम है आप लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एप्पल के एयरपॉड्स की। बड़े ही कमाल के एयरपॉड्स हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इनकी तार काट दी हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे काम करते हैं, तो अगर आपके पास एप्पल का डिवाइस नहीं भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। कीमत की बात करें तो तकरीबन 12,000 के आसपास की कीमत है। बॉक्स आप देख सकते हैं किस तरह चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, जगह जगह पर एप्पल की ब्रांडिंग है, एयरपॉड्स की ब्रांडिंग है पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से क्यों ना इसके बॉक्स को हम खोलें। एप्पल के सारे डब्बे ऐसे ही खोलते हैं, आपको पता ही है। तो यहां पर हमें मिलता है, सबसे पहले यहां पर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है और ये रहे हमारे छोटे से प्यारे से एयरपॉड्स। चलिए इनको बाहर निकालते हैं और देखते हैं डब्बे में हमें क्या मिलता है। तो यहां पर हमें मिल जाती है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लाइटनिंग केबल इसे चार्ज करने के लिए। चलिए इस छोटी सी पन्नी को जो इसके ऊपर लगी हुई है उसे हम उतार लेते हैं और ये हमने रिमूव कर दिया। और यहां पर आप देखते हैं चमचमाते हुए हमारे एप्पल के एयरपॉड। और खैर आज हमें मौका मिल ही किया इनको अनबॉक्स करने का, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सुपर्ब क्वालिटी है दोस्तों। नीचे की तरफ यहां पर चार्जिंग के लिए जैक दिया गया है। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं किस तरह की इनकी लुक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो एयरफोन यहां पर हमें मिलते हैं ब्लूटूथ वाले और बीच में लाइटनिंग इंडिकेशन दोस्तों दिया गया है। अगर मैं आपको एक ब्लूटूथ को निकालकर दिखाऊं तो उसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। आगे और पीछे की तरफ जो है सेंसर दिए गए हैं दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी की बात बहुत तारीफ करनी होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों कनेक्ट करना बहुत आसान है, सबसे पहले हम इसको अपने डिवाइस के पास लाएंगे, खोलेंगे तो यहां पर इंडिकेशन आ जाएगा। यहां पर अब हमें करना होगा कनेक्ट, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को। उसके बाद बटन को करना होगा होल्ड, तो यहां पर जो हमारे एयरफोन थे वो कनेक्ट हो जाएंगे। ब्लूटूथ में जाके भी आप ये चीज कर सकते हैं जैसा कि मैं यहां पर कर रहा हूं दोस्तों। एक बहुत ही अच्छी चीज इस एयरपॉड्स की मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, यहां पर कोई वीडियो देख रहे हैं और हमने इनको कान में लगा रखा है और अगर हम इनको निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वीडियो है या फिर हमारा जो सॉन्ग है वो चलना बंद हो जाता है, जैसा कि यहां पर हो चुका है। मैंने एयरफोन को निकाल दिया है और यहां पर आप देख सकते हो कि अपने आप जो है हमारा जो वीडियो था वो रुक गया है। ये एक बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। मैंने म्यूजिक पर भी इसको ट्राई किया, हर जगह पर इसने बहुत ही अच्छा काम किया। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं इंडिकेशन जो है वो आ गया है। तो मैंने इसको काफी बार ट्राई किया और हर बार जो मुझे रिस्पांस मिला वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। मैंने सॉन्ग्स में भी इसको ट्राई किया। खैर एक बहुत ही कूल चीज मैं आपको इसकी दिखाता हूं, जब आप डबल टैप करते हैं पीछे की तरफ तो दोस्तों सीरी एक्टिवेट हो जाती है। अभी मैंने इसको पहना नहीं हुआ, जब मैं पहनूंगा तो सीरी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। आप इस सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप और कोई चीज इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहां पर जाना होगा और आप लेफ्ट और राइट वाले एयरफोन्स में अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेक्स्ट गाना प्ले करना होगा डबल टैप करके या फिर कुछ भी करना है, आप यहां पर सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी कूल चीज इन्होंने यहां पर दी है। और मैंने खैर बहुत सारे ब्लूटूथ एयरफोन्स और हेडफोन्स मैंने यूज किए हैं दोस्तों, पर इसकी जो बात है वो बहुत ज्यादा निराली है। दोस्तों बात करूं बैटरी की तो ये जो बॉक्स हमें मिलता है जिसके अंदर हम अपने एयरफोन्स कैरी करते हैं उसके अंदर जो बैटरी है वो अलग है और जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी बैटरी अलग है। यानी कि आपको बैटरी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक भी एयरफोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो आप बॉक्स में रखिए और उसे चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप दोस्तों मिलता है हमें और बैटरी की टेंशन बिल्कुल नहीं रहती। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। साउंड क्वालिटी की बात करें तो अमेजिंग साउंड क्वालिटी है। मैं तो मानता हूँ कि जो एप्पल के जो एयरफोन्स आते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी इसकी लगी। छोटे से हैं दोस्तों, खैर खोने का डर हो सकता है इन चीज़ को क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी। खैर एक चीज़ कहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी पर एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, पर खैर इनको सेफ रखने के लिए आप इस तरह का कवर ले सकते हैं। एप्पल की एसेसरीज अलग से मिल जाती हैं काफ़ी सारी, तो काफ़ी अच्छा कवर है। आप अपने एयरपोर्ट को जो है इसके अंदर डाल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आप खैर इजीली खोएगा नहीं और अगर गिर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होने वाली है। तो खैर एप्पल की प्रोडक्ट की ये खास बात रहती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो हैं आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इन एयरपोर्ट के साथ, बहुत मज़ा आया, काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। थोड़े से प्राइसी हैं पर खैर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको पसंद आए हैं और आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो वहां पर जाकर इनको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों खैर आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियोज़ के लिए, शेयर करें। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।